टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 70,000 के पार। 24 घंटे में सामने आए 3500 से अधिक नए केस। 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम से की लॉकडाउन बढ़ाने की मांग। विरोध में उतरा गुजरात। लॉकडाउन में ट्रेन सेवा शुरू करने के विरोध में उतरे बिहार, बंगाल, तेलंगाना और तमिलनाडु के सीएम। एमपी के सीएम शिवराज ने किया समर्थन। बंगाल और राजस्थान ने नहीं दी इजाजत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एमएलसी के लिए भरा नामांकन। शपथ पत्र में दिखाई 143 करोड़ की संपत्ति, लेकिन नाम पर नहीं है कोई कार। 21 को होगा चुनाव। विशेष ट्रेन से सफर करने के लिए चंद घंटों में ही 16 करोड़ की बुकिंग। 80,000 से अधिक यात्रियों ने खरीदा टिकट। रेलवे की एडवाइजरी, ट्रेन में पर्याप्त सुविधा नहीं, इसलिए घर से ही लेकर आए खाना पानी। 233 ट्रेनों से यूपी लौटे 2,81,000 मजदूर। योगी सरकार ने दिलाया भरोसा, कुशलता के आधार पर सबको मिलेगा रोजगार। क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों की स्किल मैपिंग का भी निर्देश। कोरोना से निपटने महाराष्ट्र सरकार की बड़ी तैयारी। वुहान की तर्ज पर मुंबई के बीकेसी में बन रहा हॉस्पिटल 14 मई से पहले प्रारंभ करने का लक्ष्य। 1,000 बेड की होगी क्षमता, हो सकेगा इजाफा। रेलवे की तरह शुरू होगी एयर इंडिया की सर्विस। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने दिए संकेत। चिन्हित हवाई अड्डों से होगी उड़ाने। लॉकडाउन में फंसे नागरिकों के लिए राहत की खबर। पनवेल मनपा क्षेत्र में 189 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। 7 पर पहुंचा मौत का आंकड़ा। खुलने लगी है दुकानें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्ती जारी। नवी मुंबई में 784 हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। संक्रमण का एपिक सेंटर बनी है पीएमसी में। सैनिटाइजेशन का काम शुरू। नियंत्रण के लिए एनएमएमसी की कवायद। ठाणे में 750 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमण। लॉकडाउन में प्रशासन ने बढ़ाई और सख्ती। 224 लोगों के स्वस्थ होकर घर लौटने पर दिखी राहत। सावधानी बरतने के संकेत।